पहुंच चुके हैं बस गौर माहौल फटाफट से चल रहे हैं ऊपर थिएटर में और मैच स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं बस मॉल के अंदर और जा रहे हैं थिएटर में और देख सकते हो अपना तिरंगा लेके साथ में आए हो आज लहराने वाले परचम वेस्ट इंडीज में फाइनल मैच में। चलिए फिलहाल के चलते हैं अंदर थिएटर में और पहुँच चुका हूँ देख सकते हो आप। फिर मिलते हैं आपसे, आज दिखाएंगे आपको स्पेशल स्क्रीनिंग सिनेमास के अंदर। पहुँच चुके हैं फाइनली सिनेमा के अंदर, लेट्स सी। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं बस और ये देख सकते हो हमारा आकाश भाई अपने सोसाइटी का दोस्त है अपने ऑफिस का। तो अभी चल रहे हैं अंदर मैच देख रहे हैं, इंडिया जीतेगी साथ में तिरंगा लेके आए हैं। आज थिएटर में देखेंगे मैच हम बेहतरीन वाला और क्या कहते हैं देख सकते हो आप। ये हम आ गए हैं गौर मॉल के थिएटर में। तो अभी जस्ट हमें झंडा लगाने के मना कर दिया गया था लेकिन ठीक है, तो भैया ने कहते झंडा ले जाके मना करे थे बट फाइनली क्या कहते हैं हमने कह दिया कि हम झंडा लेके जाएंगे, तिरंगा लहरना चाहिए आज हमारा। तो चलिए क्या कहते हैं बस अभी देख सकते हो ये अपना तिरंगा पकड़ना, एक बार तिरंगा दिखाओ भाई एक बार जरा खोल के दिखाओ पूरा। सो फाइनली ये हमारा तिरंगा देख सकते हो आप और चल रहे हैं अभी अंदर थिएटर में और फिर दिखाएंगे आपको आगे का सीन क्या रहता है। और फिर ये हमें जाना है ऑडी नंबर 3 में और फिर आज देखो ट्रॉफी आज लेके चलेंगे घर पे सीधा यहाँ से। तो फिलहाल के लिए अभी टॉस हो चुका है, इंडिया हैज़ वन द टॉस और पहले कर रही है बैट। सो 180 रन बन जाएंगे वो फुली फर्स्ट इनिंग में, तो जीतना तय है आज। तो चलिए फिलहाल के थिएटर में चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन। सो गाइस चलिए चलते हैं अंदर, टाइम हो चुका है 7:45, 15 मिनट्स टू गो, टॉस जीत चुके हैं इंडिया। चलते हैं आपको लेके तिरंगा। सो फाइनली आ चुके हैं। So guys, here we are in the stadium or you can see in theater to watch the India versus South Africa match जो कि होने वाला final on 29 June। बहुत ही खतरनाक final match, चलिए start करते हैं मैच दिखाते हैं। And here we have Rohit Sharma, Virat Kohli, the world's best opener and the world's best batsman coming together. Hopefully last time हो but पता नहीं क्या होता है। और ये कोहली देख सकते हो just focusing what he has done from last 15 years. So आज वो दिन अगेन एंड हियर वी हैव द कवर ड्राइव 4 रन्स। सो दोस्तों जस्ट बाहर गए थे ब्रेक के लिए और वापसी आए हैं, जैसे ही आए हैं जस्ट आते के साथ ही देखा बुमराह ने मार दिया है देख सकते हो क्या बोल्ड मारा है। ओहो फाइनली वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप मैच ये। क्लासिन ने बहुत मारा एंड जस्ट मैच हमारे हाथ से निकलता हुआ 30-30 बट एंड टाइम पे जस्ट हार्दिक पांड्या केम एंड कैट हिम आउट और फाइनली अब आ गया टाइम हमारा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप जीतने का। सो देखते हैं क्या होता है और अब एक डॉट और चाहिए, 10-20 चाहिए होपफुली क्या कहता है ये डॉट हो जाएगी। अर्शदीप कम ऑन मैन कम ऑन। और ये देख सकते हो आप 9/19 सिंगल आ चुका है और एक बॉल और का गेम है उसके बाद लास्ट ओवर में मिलर रहता है और पांड्या बॉल डालेगा तो होपफुली कुछ अच्छा ही होने वाला है। कम ऑन चीयर अप फॉर इंडिया 2/10 सो इट्स 2/10 नो वाइड बॉल नो बॉल हार्दिक पांड्या कम ऑन और रवाड़ा इज ऑन क्रीज राइट नाउ रवाड़ा कैन
हिट सिक्स एज वेल, बट अभी प्रेशर में और सब देख सकते हो स्टेडियम में सब खड़े हो चुके हैं और ये बॉल डालते हुए हार्दिक पांड्या और ये वाइड बॉल, ओह माय गॉड वाइड नहीं होती थी ये शिट, ओहो। और अब ये लास्ट बॉल ऑफ द मैच 9-8 एंड हियर वी हैव वन द वर्ल्ड कप, फाइनली आ गया वो दिन 13 इयर्स बाद ये वर्ल्ड कप आ चुका है। यस Yes, very emotional moment for every Indian, 140 crores Indians. Oh, proud of my team, Indian cricket team, and proud of each and everyone. Well played, King Kohli, Rohit Sharma, Bumrah, Rahul Dravid, everyone. Yes, World Cup, aa chuka hai. Finally, yes. Here we have celebrated so much. Stadium एकदम full packed. खुशी के माहौल में डूबता हुआ और अलग ही फील्स लेता हुआ, चलिए एंजॉय कर लेता हूँ मैं, बाद में आपसे बात करते हैं, वेरी इमोशनल मोमेंट।